So once again, I would like to welcome you in this home of all permanent hours, P for Permanent and Pianoing. मैं हूं आपका दोस्त लायो गरिमांचू और एक बार फिर से आपके सामने परमानेंट का एक बहुत ही अमेजिंग सा एपिसोड लेकर के हाजिर हूं। तो अगर आप परमानेंट के अपने घर में नए हो तो प्लीज़ घर पर ज्वाइन कर लो बाय क्लिकिंग ऑन दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेसिंग दैट बेल नोटिफिकेशन एंड सेटिंग दैट टू ऑल। सो बस इतना ही कहना था। और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो कर दो यार, बिकॉज आज की वीडियो इतनी प्यारी होने वाली है ना, कसम से आपको देखने के बाद बहुत मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं करा अभी से लाइक कर दो, वरना बीच में आप लाइक करना भूल जाओगे क्योंकि एपिसोड में ही आप खो जाओगे। तो चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्टली लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन देन टू द एपिसोड। आज सुमेरे का बर्थडे से जस्ट पहले वाली नाइट है। सुमेरे के पूरे सेट मेंबर्स उसे एडवांस में ही विश कर रहे थे, इंक्लूसिवली सुमेरे भी। कल की छुट्टी लेने के लिए आज अपने 200% से भी ज़्यादा देती है एंड सबको बता देती है कि कल उसके बर्थडे पे कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। वो बाहर जाएगी, वो भी पूरी तरह से एक नॉर्मल लड़की की लाइफ जीने के लिए। सुमेरे की असिस्टेंट पहले तो उसे ऐसा करने से इनकार कर देती हैं मगर बाद में मान जाती हैं। तो रात को सुमेरे अपना 200% देकर वहाँ से काफ़ी जल्दी फ्री हो जाती हैं अपने काम से। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड द लेट इवनिंग वो फ्री हो जाती हैं। सुमेरे का ड्राइवर एंड हर मैनेजर उसे फ्लैट के बिल्डिंग के सामने छोड़ देते हैं एंड देन शी गेट्स इन एंड देन वो अपनी बिल्डिंग में जाती है और अपने फ्लैट के अंदर जा कर के वो वहाँ पर फ्रेश होने चली जाती है। वो बाथ लेने के बाद में उसके बाथरूम में ही बाहर आती है एंड वो जब मिरर में खुद को उसके डैम्प गीले ही बालों में देखती हैं, शी स्टार्ट्स फीलिंग अ लिटिल बिट टाइटलेटेड। उसे अंदर से एक बड़ी अजीब सी गर्मी फील होने लगती है एंड सून वो बेचैन होने लग जाती हैं। उसी के फ्लैट के सामने से परमेंट भी पेट्रोलिंग करते हुए जा रहा था। वो जैसे ही सुमेरे का फ्लैट देखता है उससे याद आता है कि अरे नहीं, कल तो सुमेरे का बर्थडे है। और उसने अभी तक नहीं सोचा कि वो सुमेरे के लिए क्या लेके गिफ्ट में जाने वाला है। देन वो सोचता है कि क्यों ना वो खुद सुमेरे से ही पूछ लें कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए। दैट्स व्हाई वो सुमेरे के फ्लैट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उसके फ्लैट के विंडो के पास पहुंचता है उसे याद आता है दैट इट्स द अर्ली नाइट टाइम नाउ एंड अगर वो इतनी रात को सुमेरे के विंडो नॉक करेगा शी माइट थिंक रॉन्ग अबाउट हिम। सो इसी वजह से वो वापस जाने लगता है एंड तभी वो विंडो को ढके हुए कर्टन्स के थ्रू देखता है। सुमेरे की शेडो को वो देखता है कि बहुत ही ज़्यादा मूव कर रही थी, वो बहुत ही बेचैन सी लग रही थी। पर मैंने देखकर सोचने लगता है कि कहीं मैं सुमेरे किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। वो ये देखकर खुद को वैसे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी वो देखता है कि मैं सुमेरे की शेडो किसी फोटो फ्रेम जैसी चीज़ को बार बार अपने चेहरे से यानी कि लगभग अपने लिप से एंड बार बार अपने चेस्ट से टच करा रही थी। अब परमन से और बिल्कुल भी नहीं रह जा रहा था। उसे लगने लगता है कहीं मिस सुमेरे की तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। वो ये सब देखते तुरंत पाको को कॉल करता है एंड उसे अपने पास बुलाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी पूरी बात को कंप्लीट करता वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे कि उसकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखता है जैसे ही उसने पाको को कॉल किया मिस सुमेरे का मोशन कुछ ऐसा हुआ जैसे कि उन्होंने ही बिल्कुल परमेंट का आंसर दिया हो। वो बैज को उठाना और रिप्लाई करना वो सब कुछ बिल्कुल एक परमेंट की तरह था। परमेंट सब बिल्कुल भी सहन नहीं होता। परमेंट चुपचाप अपनी बात को अधूरा छोड़ते हुए कॉल को कट कर देता है एंड वहाँ से चले जाता है। पाको फिर काफ़ी बार उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है परमन बैच के थ्रू कॉल करके मगर परमन का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तब पाको बहुत ही टेंशन में आके परमन को रिंग करते करते बैच सिग्नल्स की हेल्प से परमन तक पहुंच जाती है। शी ट्राइज टू टॉक टू हिम बट सून परमन परेशान होकर पाको को डांट कर चले जाता है। आज पाको परमन पर गुस्सा नहीं होती बिकॉज वो समझ जाती है कि
कि परवीन आज थोड़ा नहीं बल्कि काफी उदास है, बेचैन है। इसलिए वो चुपचाप एंड सीक्रेटली परवीन को फॉलो करने लगती है। तभी वो देखती है कि परवीन अब एक पार्क में है एंड अपने आप से बातें कर रहा है। वो कहता है, पाको ही सुमीरे है एंड उसने ऐसे क्यों नहीं बताया मुझे, एंड उसने मुझे इतनी सारी बातें छुपाई। सारी बातें सुमीरे सुनती है। ये सब देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है एंड तभी उसको एक आइडिया स्ट्राइक करता है। वो बर्डमैन को कॉल करती है एंड कहती है कि उसके हेलमेट में कुछ खराबी आ गई है एंड उसे इंस्टेंटली बर्डमैन पावर का यूज़ करना है। तो बर्डमैन प्लीज़ जल्दी से आ जाएं एंड उसका हेलमेट ठीक कर दें। जब तक बर्डमैन आते हैं, पाको जान करके परवीन के ठीक पीछे वाली श्रब्स में चली जाती है एंड वहाँ बर्डमैन भी सेंस हरीड अप होते हैं वो पाको की वजह से। वो ये भी देखते नहीं है कि परवीन आसपास है और तभी पाको उन्हें अपना हेलमेट उतार कर देती है। और वेरी कनिंगली जब बर्डमैन उसके हेलमेट को चेक कर रहे होते हैं, वो उसके पास में रखी एक स्टिक को, सूखी लकड़ी को अपने पैरों के नीचे दबाती है और तोड़ देती है। वो जो लकड़ी टूटी थी उसके टूटने की आवाज को पाको अपने चिल्लाने का या चीखने का रीजन बना देती है, चीख जाती है एंड तभी इमीडिएटली परवीन वहां आ जाता है। वो वहां पाको की आइडेंटिटी देख लेता है। अब बर्डमैन इससे पहले कुछ भी करते, परवीन हद से ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड तभी परवीन को एक लात मारता है एंड वो उनकी स्पेसशिप के साथ में हवा में उड़ जाते हैं, आसमान में चले जाते हैं। परवीन पावर थी ना, परवीन बहुत ही ऊपर तक चले जाते हैं, फॉरगेटिंग दैट देयर मोमेंटम वॉज स्टिल इन कंट्रोल ड्यू टू हिज सडन इंसिडेंट। वे भूल जाते हैं कि उनका मोमेंटम उनके कंट्रोल में था। एंड एट द सेम टाइम अप्रॉक्सीमेटली मित्सु सुमीरे को भी दोनों हाथों के साइड से पकड़ता है। गुस्से में उसे सब कुछ पूछने लगता है। वो पहले उसके गुस्से से उसके हाथों को पकड़ता है एंड देन अपने पास खींच लेता है एंड तब उसे गुस्से में पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया सुमीरे? सुमीरे फिर बताना शुरू करती है। उधर बर्डमैन भी अब स्लो डाउन हो गए थे एंड अब वापस से लौट रहे थे कि तभी वो अपने मॉनिटर पर परमानेंट पाको की कन्वर्सेशन सुन लेते हैं कि पाको ने ये सब डेलिबरेटली किया था ताकि वो अपने इस बर्थडे को बेस्ट बना सके, वो भी लीगली एंड परहैप्स विद अ वे ऑफ अ सडन एंड एक्सीडेंटल इंसिडेंट। बर्डमैन भी सिंस आज तक सभी परमेंस के बिहेवियर एंड नेचर को देखकर समझ चुके थे कि सिर्फ एंड ओनली सिर्फ अगर परमेन को ही पता चलती है पाको की आइडेंटिटी देन इट्स नॉट दैट बैड एट ऑल, इंडीड इट्स अ गुड थिंग। वो उन दोनों को बैज पर ही वॉर्न करके एंड पाको का हेलमेट रिटर्न कर देते हैं एंड चले जाते हैं, कीपिंग द कंडीशन सेम दैट पाको की आइडेंटिटी और कहीं भी किसी भी तीसरे तक पहुंचनी नहीं चाहिए। परवीन एंड पाको दोनों ही ये कंडीशंस अपने अपने बैज पर सुन लेते हैं एंड अब परवीन इससे पहले कि कुछ कहता, सुमीरे उसे बड़ा ही प्यारा एंड डीप एंड पैशनेट हग कर लेती है एंड कहती है परवीन से, दिस विल बी द बेस्ट बर्थडे ऑफ आवर लाइफ। सो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बस खाली यहीं तक ही। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। मुझे पता ही एपिसोड काफ़ी शॉर्ट था, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अब किसी एक वेब सीरीज पर काम कर रहा हूँ तो उसकी स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, इस वजह से एपिसोड थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन आई होप दैट यू अंडरस्टैंड मी एंड आप एडजस्ट करोगे ज़रूर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू दिस परवीन कम्युनिटी और इन दिस परवीन स्टॉप देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड देन pressing that bell notification to all. So I am your boy Layuga Rimanchu, signing off from P4 Permanent Pioneering. Goodbye, take care, sayonara and love you.